हे गाइस, स्वागत है आप सबका पोकेमोन लास्ट फायर के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने सेलेडोन सिटी आ चुके थे आनी हम लोग सेलेडोन सिटी में ही थे। एंड सेलेडोन सिटी के गेम कॉर्नर में जो टीम रॉकेट का हाइड आउट था वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे सब लोगों को हराया, फिर टीम रॉकेट के लीडर जीवानी को भी हराया, फिर उसके साथ हम लोग बैटल किए तब हराया, ऑब्वियस ही बात है। एंड उसके बाद हम लोगों ने सिल्फ स्कोप्स ले लिया उसके पास से, एंड उसका यूज़ आप लोगों ने मेरे को बता दिया कमेंट बॉक्स में। मेरे को अभी लेवेंडर टाउन जाना है, लेवेंडर टाउन के जो कि पोकेमोन टावर था उसमें जाके हम लोगों को सबसे आखिरी वाले जगह पे जाना है। ओ दैट टी, इट लुक्स ऑफुली टेस्टी, आई कैन हैव दिस ड्रिंक, थैंक्स। ओके, इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू सैफ्रॉन सिटी यू कैन गो थ्रू। ओके, आई विल शेयर दिस टी विद द अदर गार्ड्स। ओके, तो हम लोग आई गेस अभी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। हम लोग सैफ्रॉन सिटी में तो आ ही चुके हैं, बट अगर आपको याद होगा एपिसोड आज से दो तीन एपिसोड पहले, मतलब आज से नहीं, इस एपिसोड से दो तीन एपिसोड पहले हम लोगों को ब्रेंडन के साथ फाइट तो हुई थी और ब्रेंडन ने हमें बोला था कि इस सब के सब लीडर्स सैफ्रॉन सिटी में है, बट हम लोगों को सैफ्रॉन सिटी में आ तो गए, बट यहाँ पे हम लोगों को जाना किधर है, ये तो फैन क्लब है, हम लोगों को इसके साथ क्या करना है, आई डोंट नो। सबसे पहले हम लोग इस सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। ये दद्दू कौन है? हाई, वुड यू लाइक टू बाय सेल बैटरी? नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ ख़रीदना नहीं है। ये घर के आगे कुछ तो नेम प्लेट है, लेट्स सी। हाई ट्रेनर, आई कैन टीच योर पोकेमॉन सम मूव्स फॉर 10,000। चलो देखते हैं कौन से मूव्स हैं इनके पास। अप्रॉर, हील बेल, वरी सीड, आयरन डिफेंस, गैस्ट्रो एसिड, आइसिकल स्पीयर। एक मिनट, ड्रिल रन नहीं सिखाना है मेरे को, एक मिनट फिर से हम लोगों को देखना पड़ेगा इनके पास कौन से मूव्स थे, जो हमें अगर कोई अच्छा मूव रहेगा तो हम लोग सिखा देंगे ना हमारे पोकेमॉन को, ऑब्वियस ही बात है। लिक्विडेशन, ये मूव मेरे को याद है। लेज़र फोकस, ऑरा स्फीयर, डार्केस्ट, ये क्या लिखा है, लारियट के, सोलार ब्लेड। स्लो सोलार ब्लेड सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेट्स सी। इसका पावर अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग रिलाबूम को सिखा देंगे। वो काफ़ी सही है, इन दिस टू टर्न मूव द यूज़र गैदर्स लाइट। ओके, जस्ट लाइक, नहीं ये टू टर्न मूव है तो हम लोग नहीं सिखाएंगे, क्योंकि गाइज कुछ कुछ बैटल्स में टू टर्न मूव्स काम नहीं आती, जस्ट लाइक सोलार बीम। लेट्स टॉक टू द अदर पर्सन, वे डोंट से अ वर्ड, यू वॉन्ट दिस। ओके, साइकिक, मिस्टर साइकिक से हमें क्या मिला, TM-29। ओके, साइकिक TM रहेगा आई गेस, ऐसा ही कुछ तो होगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाएंगे क्योंकि इसी के बाद हम लोग मतलब लेवेंडर टाउन जाएंगे ना, हम लोगों को लेवेंडर टाउन भी तो जाना ही है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम लोगों को रक्षा करनी है, रक्षा नहीं बोल सकते, जस्ट लाइक सेव करना है। एक मिनट, मेरे को यहाँ से नहीं जाना है, हम लोग यहाँ से चुपचाप से निकल लेंगे। एंड यहाँ पे भी वो बंदा है तो हम लोगों को इसके साथ फाइट नहीं करनी। एंड यहाँ से हम लोग इसको ट्री काटेंगे एंड चुपचाप से निकल लेंगे। ओके, अच्छा हुआ कोई वाइल्ड पोकेमोन तो नहीं आया। एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने दद्दू के साथ फ़ाइट नहीं की थी, बट इस लड़की के साथ फ़ाइट की, तो हम लोग अभी इसके सामने से जा सकते हैं। एंड बूम गाइस, हम लोग आ चुके हैं लेवेंडर टाउन में। एंड अभी हम लोगों को इसके अपर मोस्ट फ्लोर, मतलब सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है ना, तो गाइज़ वेट करो, मैं आपको सीधा वहाँ पे पहुँचा देता हूँ। ओके, तो बूम गाइज, हम लोग पोकेमोन टावर के सबसे अपर मोस्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, मतलब टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं। तो चलो जाके देखते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक पोकेबॉल छूट चुका है, बट ठीक है, बी गॉन इंट्रूडर्स, लेट्स सी। ये फिर से वो गोस्ट आ गया, बट आप लोगों ने मेरे को बता दिया था कि अब ये रिवील हो जाएगा, जो कि एक मैरोवैक है। ओके, हम लोग नगाना डेल से इसको ईजिली हरा सकते हैं, या फिर छोड़ो काम कर लेते, ग्रीनिंजा तू आ जब्रो, हम लोग इसको मुक्ति दे देंगे इस गोस्ट को विथ हाइड्रो वर्टेक्स। इवन तो हमारे पोकेमोन्स के लेवल बहुत ही ज़्यादा है, बट फिर भी चलो, रेस्ट इन पीस। द गोस्ट वॉज द रेस्टलेस स्पिरिट ऑफ क्यूबॉन्स मदर, द मदर स्पिरिट वॉज की कामड। ओके, ए डिपार्टेड टू द आफ्टर लाइफ। ओके, तो हम लोगों ने कुछ तो अच्छा किया। लेट्स सी, पोकेमोन टावर के टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे पोकेमोन के साथ मतलब टीम रॉकेट के मेंबर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। व्हाट डू यू वांट, व्हाई आर यू हियर? आई एम हियर जस्ट बिकॉज आई, मतलब मैंने तुम्हारे बॉस को हराया, उसने हमें ये दिया जिसका यूज़ यहाँ पे होगा। ओके, मिमिक्यू, शायद से तू हमारा, मिमिक्यू नहीं, पीका जो शायद से अभी तू हमारा यहाँ पे काम आ सकता है। लेट्स यूज थंडर बोल्ट, प्लीज़ वन शॉट किल कर दे यार इन लोगों को। अरे यार पीकाचू, तू क्यों इतना वीक है इस गेम में? एंड अगर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है तो आई होप यू कैन इग्नोर दैट। ओके, स्विच हो गया ये पोकेमोन। ओके, हम लोग अभी इसके सामने ग्रीनिंजा को यूज़ करेंगे। फेंट अटैक, ओके, लेट्स यूज
हाइड्रो वर्टेक्स जिसके साथ हम लोग इसको वन शॉट के लिए इजीली कर देंगे, एंड फिर हमारा पोकेमोन फॉर्म भी स्विच कर लेगा बॉटल बैटल बॉन्ड की वजह से। चलो अभी हम लोग हमारा ग्रीनिंजा एश ग्रीनिंजा बन चुका है, मतलब ही इज़ नाउ अनबीटेबल, कोई भी आने दो फ़र्क नहीं पड़ता। वाटर शुरिकेन दो मूव में चला गया, ओके। वेव आइल, ओके, ये आइस टाइप एंड डार्क टाइप पोकेमोन है तो फ़र्क नहीं पड़ता। स्मैकडाउन ओके, आई गिव अप, और तू कर ही क्या सकता है, तेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस, तो चला क्यों गया, तेरे को शर्म किस बात की आ रही है। आगे कोई तो बूढ़ा इंसान है। दिस ओल्ड गाय मार्च राइट अप टू द हाइड आउट, ओके, देन ही स्टार्टेड रैंटिंग अबाउट हाउ टीम रॉकेट्स अब्यूजिंग पोकेमोन, सो वी आर जस्ट टॉकिंग इट ओवर एज अडल्ट्स, ओके। बट नहीं यार, हम लोगों को एज अ हीरो ऑफ दिस गेम वी हैव टू सेव दैट ओल्ड मैन, ओके। नेस्टी प्लॉट पहले यूज़ कर लेता हूँ, एंड नॉक ऑफ आई गेस इसके सामने सुपर इफेक्टिव होगा, मेरे को लगा ही था। चलो हिप्नो तो चला गया, नगानाडेल 57 का हो चुका है, क्यूटी पाई 54 का हो चुका है, स्लज बॉम्ब ओके, सुपर इफेक्टिव अटैक मेरे सामने। एक बार और कर लेता हूँ और लेट्स यूज नेस्टी प्लॉट से हम लोगों का भी डबल बार, मतलब जस्ट लाइक एक्सप्लोजन, अरे रे सबको अटैक दिया, बट रिलाबूम फेंड नहीं हुआ। देखो गाइस रिलाबूम कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। अरे फिर मैंने नेस्टी प्लॉट खाली फोकर में यूज़ किया। पोकेमोन आर ओनली गुड फॉर मेकिंग मनी, वाई नॉट यूज़ देम, यू स्टे आउट ऑफ आवर बिजनेस। ये सब लोग बोल के जा क्यों रहे भाई, ये आखिरी बंदा रहेगा। यू आर नॉट सेविंग एनी वन किड, यस आई एम गोइंग टू सेव दिस ओल्ड मैन। लेट्स यूज नेस्टी प्लॉट, वेनम शॉक ओके, मैं खुद एक पॉइजन टाइप पोकेमोन हूँ, ऑब्वियस ही बात है ना। सकर पंच है ना, ये तभी हमला यूज कर काम होता है जब सामने वाला पोकेमोन आपके ऊपर अटैक करने वाला हो, अगर नहीं कर रहा है तो वो कुछ काम का नहीं है। रेडिकेट ओके, मैं एक मिनट, मैं रिस्क नहीं लूँगा, अभी मैंने तीन बार मेरा इतना मतलब जस्ट लाइक स्पेशल अटैक बढ़ाया है, तो हम लोग अभी एक काम कर लेंगे। एक मिनट कहाँ गया है मेरा हीलिंग का सामान, किधर गया, हाइपर पोशन यूज़ कर लूँगा मैं। ड्रैगन पल्स, देखा गाइस सकर पंच तभी काम आता है जब आपका सामने वाला पोकेमोन आपके सामने अटैक करने वाला हो तो। रिलाबूम 60 लेवल का हो चुका है, मैरोवैक आ रहा है ओके। अभी हमारे सामने कोई भी पोकेमोन नहीं टिकेगा यार, हमारा स्पेशल अटैक छप्पर फाड़ चुका है। वो क्रोबैट भी होने दो, कोई भी होने दो, इट डजेंट मैटर नाउ। मैं बोला था गाइस नगानेडेल इज ओपी। पिकाचू तो 57 का हो चुका है, यू आर नॉट गोइंग टू गेटिंग एनी वे अवे दिस, ओके। मिस्टर फूजी इनका नाम है, यू केम टू सेव मी, थैंक यू, बट आई केम हियर फॉर माई ओन फ्री विल, ओके। आई केम टू काम द स्पिरिट ऑफ क्यूबॉन्स मदर, आई थिंक मैरोवैक स्पिरिट हैज़ फाइनली लेट अस, ओके, लेफ्ट अस, ओके। आई मस्ट थैंक यू फॉर योर काइंड कंसर्न, ओके। फॉलो मी टू माई होम ओमकार, ओमकार नहीं, पोकेमोन हाउस एट द फुट ऑफ दिस टावर, ओके। आई गेस इनसे बात करनी थी। ओमकार, योर पोकेडेक्स क्वेस्ट इज वन ऑन दैट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, विदाउट डीप लव फॉर पोकेमोन योर क्वेस्ट मे फेल, आई एम नॉट श्योर इफ दिस विल हेल्प यू बट आई वुड लाइक टू हैव यू, ओके। पोकी फ्लूट मिल चुकी है, जिसके आप लोगों ने मेरे को ये भी बताया पोकी फ्लूट का यूज़ करके हम लोग मतलब जस्ट लाइक सोए हुए पोकेमोन को उठा सकते हैं, तो अभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे उस जस्ट लाइक किसके ऊपर यूज़ करें यार, फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है। एंड एक बात तो मैं बताना और भी भूल गया, हम लोगों के पास फ्लाई मिल चुका था हम लोगों को लास्ट एपिसोड में, तो हम लोग किसको सिखाए वो, लेट्स यूज़ चारिज़ार्ड के ऊपर ही किसको तो सिखा देंगे, क्योंकि नगानाडेल को मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। नगानाडेल बहुत ओपी पोकेमोन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ चारिज़ार्ड ओपी नहीं है, बट फ्लेम बस्ट हटा देंगे उसका मूव और उसको फ्लाई सिखा देंगे, तो अभी हम लोग फ्रीली मतलब जस्ट लाइक उड़ सकते हैं ना, चल के क्यों जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये हुपा है, अगर आपको हुपा भी पकड़ना रहेगा तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये पोकेमोन पकड़ना होगा तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट एक मिनट, मैं आपको एक आप लोगों ने मेरे को ये भी बताया था कि सेलेडॉन सिटी में आप मेरे को मेगा बॉल मिल सकता है, पहले यहाँ पे एक बार पोकेमोन हिल कर लेते। चलो आज के गेम में लेजेंडरी हंटिंग भी हो जाए, मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्यों ना कर लेते हम लोग।
तो सबसे पहले मेरे को सेलोडॉन सिटी के डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना होगा। यहाँ पे मेगा 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 बॉल ही बोलते हैं उसको, मेगा बॉल बोलते हैं कि नॉर्मल पोकी बॉल, मेगा बॉल आई गेस। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी। नहीं यहाँ पे तो टीएम्स मिलता है, हम लोगों को यहाँ पे परचेज नहीं करना है आई गेस। यहाँ पे पोकी बॉल्स कहाँ मिलते हैं आई गेस? ये दूसरा वाला बंदा पोकी बॉल्स बेचता रहेगा शायद से। अच्छा मेगा बॉल बोल रहा हूँ, मास्टर बॉल बोलते हैं उसको गाइस, सॉरी। यहाँ पे मास्टर बॉल कितने का मिल रहा है? 10,000 रुपीज़ का, 10,000 पोके डॉलर का। ऑब्वियसली बात है मैं बहुत सारे खरीद सकता हूँ, तो हम लोग फिलहाल 5 खरीद लेंगे। 50,000 की शॉपिंग, 50,000 पोके डॉलर्स की। इस गेम में मास्टर बॉल 10,000 में मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है ना। तो चलो अभी काम कर लेते हैं आज के एपिसोड में। अभी हम लोगों ने मैरोवैक की मम्मी को, तो मतलब मैरोवैक को नहीं, क्यूबॉन की मम्मी को तो मुक्ति दे दी। तो अभी हम लोग काम करेंगे, लेजेंडरी पोकेमोन्स को हंट करेंगे। जस्ट लाइक वो देखो अभी हुपा इतने यहाँ पे आ गया, मतलब वर्मिलियन के ऊपर वाले घास में हमें हुपा मिल सकते हैं, तो हम लोग इसको ज़रूर पकड़ेंगे। ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हम लोग हमारे पोकेराइड को लेके जाएंगे, यहाँ पे मिल सकता है। तो हम लोग अभी इसको यहाँ पे ढूंढने के ट्राई करेंगे। रिपेल यूज़ नहीं करना है मेरे को, रिपेल यूज़ करूँगा तो कैसे आएगा लेजेंडरी पोकेमोन? लेट्स सी, यहाँ पे तो ये नहीं आ रहा है, ट्राई करते थोड़ा सा और। ओके एक टॉगेपी, नहीं यार मिस्टी थोड़ी हूँ। गलपिन ये भी नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा वाइल्ड में ढूंढता हूँ, जब तक ये मेरे को मिल नहीं जाता तब तक आप वेट करो। ओके गाइस मैंने बहुत ढूंढा पर यहाँ पे मेरे को वो मतलब हुपा तो मिला नहीं। लेट्स सी, हम लोगों को शायद से मेरे को ऐसा शक आ रहा है कि ये पोकेमोन कहीं दूसरी जगह चला गया। जी हाँ गाइस अभी ये यहाँ पे आ चुका है, तो हम लोगों को अभी यहाँ पे जाना होगा। ये पोकेमोन है ना बहुत जगह, जस्ट लाइक जगह बदलते रहते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरे को एक बार लास्ट बार चेक करने दो यार, इस बार पचका ना हो जाए प्लीज़, कहीं जाना मत। देखो गाइस ये उड़ के चला गया यहाँ पे। आई गेस हम लोगों को विदाउट मैप खोले यहाँ पे पहुँचना रहेगा, ऐसा कुछ तो सिस्टम होगा आई गेस, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। तो एक काम कर लेता हूँ, ये हमें रूट 4 पे मिलेगा ना, तो मैं यहाँ पे फ्लाई करके नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे साइकिल के पोके राइड के साथ जाऊँगा, बट वो पार्ट आपको नहीं दिखाऊँगा। अरे गाइज मैं क्या बोलूँ, मैं यहाँ पे साइकिल के थ्रू आया, बट एक मिनट दिखा साइकिल मतलब वो हमारे पोके राइड के थ्रू आया, बट ये पोकेमोन भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। अभी ये यहाँ पे आ चुका है रूट 4, रूट 3 और रूट 4 के बीच में। तो मैं काम करूँगा इसको पकड़ने के लिए, कुछ भी करूँगा मैं, ट्राई तो करूँगा इसको पकड़ने का। लेट्स सी अभी ये कहाँ पे भाग गया, प्लीज़ ब्रो भागना मत किधर। लेट्स सी, अच्छा अब इधर आ गया। मैं मतलब मेरे को कोई काम धंधा नहीं है, मैं 24 घंटा तेरे पीछे भागते रहूँ, बट ठीक है लेट्स सी। चलो फिर यहाँ पे जाते हैं, अब किधर भागेगा? लेट्स सी प्लीज़ ब्रो किधर भागना मत। अरे क्यों यार क्यों जा रहा है, मैं जिधर जा रहा हूँ तू वहाँ से भागे जा रहा है। बहुत हुआ, 1 मिनट। प्लीज़ अभी यहाँ से जाना मत, नहीं तो मैं पकड़ूंगा ही नहीं तेरे को। अरे क्यों इन लोगों को दिक्कत क्या हम लोगों से? पकड़ना ही नहीं है, जाओ तुम लोगों को पकड़ना ही नहीं है, मैं तुम्हारे पास आने के लिए गधा नहीं हूँ। एक काम करते हम लोग हमारी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मेरे को टिप्स बता दो यार, ये लोग भाग क्यों जाते हैं? तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोगों ने लेवेंडर टाउन से मैरोवैक की आत्मा को तो शांति दे दी थी, प्लस हम लोग अभी सैफ्रॉन सिटी में है ना। तो हम लोग आएंगे इसको नेक्स्ट एपिसोड में फूसिया सिटी जाएंगे, नेक्स्ट एपिसोड में नहीं इसी एपिसोड में जाएंगे। तो फूसिया सिटी जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं नीचे से, या तो हम लोग साइकिलिंग रोड से जा सकते हैं। तो चलो पहले सेलेडॉन सिटी जाते हैं और फिर वहाँ से साइकिलिंग रोड के थ्रू जाएंगे यूज़ करके, मतलब हमारे पास जो पोकी राइड है। हम लोगों को अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने 5 मेगा मास्टर बॉल तो ख़रीद के रखे, बट कोई बात नहीं, इस पोकेमोन को पहले उठाना होगा। ओके तो पोकी फ्लूट बज चुकी है और स्नोरलैक्स अटैक करेगा हमारे ऊपर, मैं इसके साथ बैटल नहीं करूँगा, ऑब्वियस सी बात है यार। और मैं इसको नहीं पकड़ूंगा क्योंकि ये नॉर्मल गेम तो नहीं है, ये दिस इज़ रोम हैक। ओके मेका मैसेज आया, हेलो ओमकर आई होप यू आर ओके, आई एम सॉरी आई डिडेंट हैव टाइम टू से गुड बाय, एनी वे आई विल बी बैक एट कैंटो इन फ्यू डेज।
एंड आई विल फाइंड यू। ओके, मैं घर पे चली गई क्या? होइन पे चली गई? यहाँ पे मेरे को पता नहीं था, बट हम लोग यहाँ पे हम लोग ऐसे आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक टिप बताता हूँ, यहाँ पे बी दबा के रखना। ओ, मैंने उसको क्या मिस किया। सही है, मैं बैटल नहीं करना चाहता यहाँ पे किसी से भी। विश पीस। ओके, मेरे को यहाँ पे किसी के साथ बैटल नहीं करनी। यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू प्रेस बी। बिग रूट मिला। ओके, और यहाँ पे एक डेन भी है, तो लेट्स चेक आउट फर्स्ट दिस डेन कि यहाँ पे कौन से। नहीं, मेरे को हाँ लुक करना है तो कर सकता हूँ मैं। ओ, यहाँ पे एक ट्रॉफिश है, या फिर ये वो जो पोकेमोन है ना, होएन का ग्रास एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। नहीं, मेरे को बैटल नहीं करनी थी, मैं बच गया, लिटरली मैं बच गया। अर्थ प्लेट मिली, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी एक डेन है। देर डजेंट सेम टू बी एनी थिंग इन डेन। वॉन्ट टू थ्रो। नहीं, मेरे को कुछ नहीं फेंकना है। हाय लड़की, डू यू वॉन्ट टू टीच मी वोल्ट टैकल फॉर योर पिकाचू? हाँ, अगर तुम सिखा सकते हो तो सिखा दो। वैसे भी मेरा इस गेम में पिकाचू कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमोन तो लगता नहीं है। वोल्ट टैकल, हाँ ठीक है, ठीक ठाक ही अटैक है। वाइल्ड चार्ज हटा देता हूँ, वाइल्ड चार्ज में खुद को हर्ट तो कर ही देता है पिकाचू। थैंक्स पिकाचू, एम जी विल टर्न पिकाचू वोल्ट टैकल इन टू जी मूव। ओके, एक मिनट, तो वो कहाँ पे मिलेगा मेरे को? वो कौन देगा मेरे को कि मेरे पास ऑलरेडी बैग में है? लेट्स सी, हम लोगों को देखना पड़ेगा। मेरे पास है क्या? मेरे को नहीं पता, नहीं है यार, बट कोई बात नहीं। चल, तूने मेरे को इतना फ्री में दे दिया, और क्या ही हम लोग तेरे बैग एक्सेप्ट कर सकते। ये बंदा कौन है ऊपर? केयर फॉर स्केयर बैटल विद द स्काई ट्रेनर। नहीं, हम लोगों को नहीं करनी, सॉरी। फिलहाल तो हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। ट्रेसी का मैसेज आया। ओके, हे ओमकर, हाउ आर यू? आई फाइनली मैनेज टू गेट योर नंबर। यू वॉन्ट बिलीव वॉट आई जस्ट सॉ। आई सॉ विथ माई ओन आईज अ जैसियन ऑन रूट 16। इट्स अ ब्यूटिफुल पोकीमॉन, ट्राई टू लुक एट योर मैप। बट क्या फ़ायदा गाइस, लेजेंडरी पोकीमॉन को हम लोग पकड़ने जाएंगे तो वो भाग के चले जाते हैं। फिर भी चलो, रूट 16 है कहाँ पे? ओ, यहाँ पे रूट 16। चलो हम लोग जाएंगे वहाँ पे। अरे यार, मेरे से गलती होगी, हम लोगों को पहले यहाँ पे गेम। एक मिनट, फिर से मैं देख लेता हूँ, ये फिर से उड़ के उड़ मतलब गायब हो गया रहेगा। मेरे को लगा ही था कुछ काम का नहीं है, मैं क्यों आया? फिर से रिटर्न जाना पड़ेगा मेरे को, वेट करो। ओके, तो गाइस हम लोग फिर से यहाँ पे आ चुके हैं। उस गधे ट्रेसे की बात सुन के हम लोग फिर से मतलब विदाउट सेविंग, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बात है ना, सैफ्रॉन सिटी, फूसिया सिटी हम लोग आए, और पोकेमोन सेंटर में जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक वो रजिस्टर नहीं होता। फिर हम लोगों को फिर से यहाँ पे चल के आना पड़ा। एंड आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए। ओके, सरीना भी आ गई यहाँ पे। प्लीज़ बैटल मत कर मेरे से। हे ओमकार, लॉन्ग टाइम नो सी, आर यू ओके? आई हर्ड दैट यू हेल्प बीट द टीम एक्वा एंड मैग्मा लीडर्स विद अनदर ट्रेनर, इज़ दैट ट्रू? नहीं, हमारे अभी तक तो फाइट भी नहीं हुई। ये आई न्यू इट व्हेन आई हर्ड दैट। आई वॉज श्योर वन ऑफ दोज ट्रेनर्स वॉज गोइंग टू बी यू। आई एम सॉरी, आई वॉज रियली रियली बिजी, बट फॉर्चुनेटली आई फाउंड योर नंबर ऑन द फोन बुक, पोकी बुक। ओके, सो आर यू रेडी फॉर अ क्विक बैटल ओमकार? ओ, यहाँ पे ऐश और रिची भी आ चुके हैं। ओ, इट्स रियली यू, इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव सीन यू, सिंस योर अ बैटल ऑन रूट 2। आई वॉन्ट यू टू मीट दिस ट्रेनर, हिज नेम इज रिची। हमारी बैटल उसके साथ भी हो चुकी है, एंड ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर। ऐश, आई ऑलरेडी नो हिम, ही इज़ द ट्रेनर आई टोल्ड यू यस्टरडे। ओके, सो इट वॉज ओमकार हु डिफीटेड यू ट्वाइस? हा हा, यस, आई जस्ट फॉरगेट टू टेल हीज नेम। गाइज, आई एम हियर टू, वी आर सॉरी, इट जस्ट दैट वी हैवंट सीन अवर फ्रेंड ओमकार अ लॉन्ग टाइम आई गो, बट हु आर यू? माई नेम इज सरीना। देखो गाइज, ऐश सरीना को पूछ रहा है वो कौन है, कैसे हो सकता है ये? माई नेम इज सरीना, आई एम ऑल्सो ओमकार फ्रेंड। ओके, मतलब मैं यहाँ पे बहुत सारा फेमस हूँ, जस्ट लाइक आई एम द फेमस पर्सनैलिटी इन अराउंड। ओके ओमकार, आई सी दैट यू हैव मैनी फ्रेंड्स। यस, वी वॉन्ट टू डू अ क्विक बैटल, बट सिंस वी आर बोथ हियर, वाई डोंट वी डू अ मल्टी बैटल? या दैट साउंड्स ग्रेट, आई एम गोइंग टू टीम अप विद अरिची। यस, वाई नॉट सो, वी विल लेट स्टार्ट।
अरे पागल लोग मेरे पोकेमोन हील भी नहीं किए हैं, मैं कैसे जीतूंगा इनके सामने। क्या यार, और इनके पोकेमोन के लेवल देखो गाइस, 63 63 लेवल के पोकेमोन्स कहाँ से लाऊंगा मैं अभी। ये तो स्टील टाइप है यार, क्या मतलब क्या बोलूँ मैं। एक फेंट हो चुका है, एक कुछ काम का नहीं है। ग्रीनिंजा जा, हार जाएंगे बैटल हम लोग, ऑब्वियस ही बात है। लो भाई मेगा, मेरे को बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी नेक्स्ट एपिसोड में। एक ऑलरेडी फेंट है मेरा पोकेमोन, इससे बुरा क्या हो सकता है। लेट्स यूज ड्रम बीटिंग। कुछ भी नहीं होता इससे बुरा। ओके हॉर्स पावर से इसका ये तो चला गया। ओके यार इसके पोकेमोन के लेवल तो देखो गाइस क्या। ओ ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। ये तो चला ही जाएगा आई नो। चारिजार्ड एक्स से अच्छा चारिजार्ड वाई है गाइस, क्योंकि चारिजार्ड एक्स एक स्पेशल अटैकर, सॉरी फिजिकल अटैकर पोकेमोन है, एंड चारिजार्ड वाई एक मतलब जस्ट लाइक स्पेशल अटैकर पोकेमोन है। और स्पेशल अटैकर पोकेमोन मेरे को अच्छे भी लगते हैं, जस्ट लाइक माइलोटी की आखिरी बची है क्या यार, मतलब सोलार बीम। ओके स्कार्ड इसके सामने देखते हैं, लेट्स सी सरीना इन दोनों के सामने कैसे परफॉर्म करेगी। लो भाई ये भी मेगा इवॉल्व हो गया, मेरे को इसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है सरीना, सॉरी मैं तेरे को यहाँ पे अकेला। चारिजार्ड यार, रिची और ऐश मतलब बोथ आर ऑसम गाइज, यू गाइज मेक अ ग्रेट टीम, इज दैट राइट। यस ऐश इज राइट, यू आर बोथ रियली स्ट्रॉन्ग। रिची आई थिंक इट्स टाइम टू गो। यस वी हैव टू लीव, वी विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू सी द लेजेंडरी पोकेमोन। ओमकार मे बी वी विल मेट अगेन। ओके तो मेरे को यहाँ पे इनको हराना कंपलसरी नहीं था, मेरे को लगा हराना कंपलसरी है। ओमकार फॉर मी दिस मे बी द लास्ट टाइम आई सी यू, आई विल सी यू, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू। इसका होम यही तो होगा आई गेस, रिची आई गेस जहाँ तक मेरे को पता है वो भी तो कैंटो से ही था। आई विल सी यू सून, आई हैव टू गो होम, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ओके बट बिफोर आई लीव यू आई हैव समथिंग फॉर यू। चारिजार्ड वाई, ओके हम लोग अभी चारिजार्ड को चारिजार्ड वाई में ये कर सकते हैं। मे बी वन डे यू विल बिकम द चैम्पियन एंड आई विल कम टू चैलेंज यू। ओमकार आई विल गिव यू समथिंग टू। ओह हम लोगों को गेंगार का भी ये मिल चुका है। सी यू सून ओमकार। ऐश और रिची ने हम लोगों के साथ बैटल किए, इवन तो हम लोग हारे क्योंकि हमारे पास पोकेमोन हील नहीं थे हमारे। योर फ्रेंड्स डोंट सीम टू बी स्मार्ट, ओके बट दे आर टू स्ट्रॉन्ग। आई हैड अ ग्रेट टाइम बट आई हैव टू गो, आई हैव टू डू समथिंग, प्लीज टेक दिस विथ यू। फायरियम जी, ओके फेरी टाइप। इफ द होल्डर हैज़ अ फेरी मूव दिस आइटम अलाउ यू टू यूज फेरी जी मूव। ओके सही है, थैंक्स फॉर दिस बैटल यू गाइज। पहले तो हम लोगों को पोकेमोन हील करने दो प्लीज़। नर्स जो है बहुत बहुत बुरी, मतलब बहुत बुरी बैटल हुई आपके पोकेमोन सेंटर के सामने, आपने देखा नहीं क्या? आप क्या ही देखते रहोगे, अनिकेत को देखते रहो बस। चलो एक काम कर लेते, देखते हमारा किधर गया वो। हमें चारिजार्ड वाई स्टोन देंगे, यूज़ नहीं करेंगे ऑब्वियस ही बात है, देंगे किसी ना किसी को तो, किसी ना किसी को थोड़ी चारिजार्ड को देंगे। चारिजार्ड एक्स हटा देता हूँ मैं। एंड ये क्या, इफ़ द होल्डर हैज़ अ फेरी मूव दिस इट अलाउज टू यूज़ फेरी जी मूव। ओके हमारे पास ऑलरेडी एक फेरी टाइप पोकेमोन है जो कि मिमिक्यू है, और उसको अगर हमारे पास एक और वो कोई तो मूव थी ना उसको, लेट्स हम लोग यूज़ करके देखेंगे इसका क्या यूज़ होगा यहाँ पे, आज के एपिसोड में ही देखेंगे। लेट्स सी मिमिक्यू को आगे रखेंगे। एंड तू फ्लाई करके किधर जा रहा है बेटा। एंड प्लीज़ गाइस मेरे को आप लोग ये बता देना कि हम लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि वो भागे ना, नहीं तो हम लोग जैसे भी फ्लाई करके उनके। ओ देखा जाए तो अभी हमारे पास एक मिनट, हम लोग हमारे पास चांस है इसको पकड़ने का, क्योंकि ये पोकेमोन इधर ही किधर तो है, तो हम लोग जाके चेक करेंगे। पहली बात तो पोकेमोन हील तो हो चुके हैं ना मेरे, लेट्स सी। जी हाँ गाइस पोकेमोन हील तो हो चुके हैं, एंड जैसे कि हम लोग आप देख सकते हैं मैप पे ये लोग पोकेमोन तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो लेट्स सी। एक मिनट फिर भी मैं फिर से चेक कर लूँगा, एक डबल चेक करने के लिए मेरा किधर गया मैप मैप मैप।
किधर गया? हाँ टाउन मैप। अरे यार ये अब इधर था, अब इस साइड आ गया। नहीं पकड़ना ही नहीं है, मैं आपको बस मैं बस देखूंगा कि ये जो पोकी मतलब मूव्स मैंने ली है वो कैसे है, फिर हम लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लेट सी, मैं ट्विंकल टैकल यूज़ कर सकता हूँ, ये भी आई गेस वही मूव है। अच्छा ये थोड़ा अलग है। ओके सही है वो, बट आई गेस पहले वाला अच्छा था। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स बताना कि कौन सा अटैक अच्छा था, वो मिमिक्यू का स्पेशल वाला जी मूव या फिर ये वाला। बाकी मेरे को आप लोग बता सकते हो कौन सा अच्छा था। एंड लेट्स ट्राई आउट अभी चारिज़ार्ड वाई। अरे फ्लाई क्यों कर रहा है, एक मिनट। हाँ नहीं 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 चलो अभी हम लोग ट्राई करेंगे चारिज़ार्ड वाई को। शेड निंजा आ गया एक नंबर। मेरे सारे अटैक इसके सामने सुपर इफेक्टिव है। लेट्स यूज़ वाटर आउटरेज जो कि इसके सामने सुपर इफेक्टिव नहीं है, दिखने में तो सेम ही लग रहा है। ओके इसके एबिलिटी ड्राउट है। क्या हुआ वो गायब हो गया? ओके चलो गाइज आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि हम लोग हमारे चारिज़ार्ड को कौन सा इवोल्यूशन ही रखेंगे, जस्ट लाइक मेगा इवोल्यूशन। चारिज़ार्ड वाई अच्छा है कि चारिज़ार्ड एक्स अच्छा है? बाकी आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। एक मिनट जाना है मत, मेरे को पोकेमॉन हील करने तब जाना। एंड बताना आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। आज के एपिसोड में बहुत सारी मतलब जस्ट लाइक बहुत सारी बैटल्स हुई, बहुत सारी चीज़ें भी हमने की, मुक्ति बिकती दी किसी को। प्लस हाँ नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कोगा के साथ फाइट करने के लिए जाएंगे। तो अगर कुछ टिप्स वगैरह है आपके पास तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे देना। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।